पंजाबी फिल्में की एज ए डायरेक्टर, हिंदी मेरी फर्स्ट है, तो मुझे एक डेढ़ साल टाइम लगा इसकी रिसर्च में। जब मुझे राइटर ने आइडिया बताया तो हमने काफ़ी रिसर्च की कि किस एरिया में शूट करना चाहिए और किस तरीके का स्क्रीन प्ले होना चाहिए, तो एक डेढ़ साल हमें लगा। इनको कास्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? इनको अतुल जी, अतुल जी के साथ मैंने एक एड शूट की थी, तो वहीं से हमारी एक ट्यूनिंग सेट हो गई थी। और एक फिल्म में डाक बाबू का बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है, जो जब मैं सोचता था कि डाक बाबू कौन होना चाहिए तो अतुल जी सामने आ जाते। अतुल जी, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, मतलब किस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ी? हाँ, मैं बताता हूँ, पहले यहाँ तैयार हो जाओ। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें डाक बाबू है। डाक बाबू कैरेक्टर जो है ये इस फिल्म का सूत्रधार है। जिस कहानी से, जो कहानी आपको फिल्म के ज़रिए सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसका सूत्रधार मैं हूँ, ये कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर सिर्फ इस फिल्म का नहीं है, ये पूरे देश का कैरेक्टर है। और ये जो देश की समस्या, जो पूरी तरह से मैं खुल के नहीं बताना चाहूँगा, जो समस्या आप देखेंगे किसानों की, गाँव वालों की, उस देश के समस्याओं का सूत्रधार है ये। मैं गलत कह रहा हूँ, है ना? और ये ऐसा कैरेक्टर, और कैरेक्टर की तैयारी में ये रहा कि हम मुलाकातें की, मैंने स्क्रिप्ट समझी, इन्होंने सुनाई, और हमारे दोस्त वीरेंद्र क्रिएटिव है, बहुत अच्छे हैं सब, टीम बहुत अच्छी है, ये सब लोग आपस में हमने बैठ के बात करी। और चूँकि मैं इस एज का हूँ, हमने वो वाला पीरियड भी देखा है जब मोबाइल नहीं था और फ़ोन भी बहुत कम हुआ करते थे, तो मैं भी जानता हूँ कि डाक बाबू की क्या अहमियत हुआ करती थी, है ना? तो हम चूँकि जानते थे, लेकिन फिर भी हम उस इलाके में गए और उस गर्मी को झेला, जिस गर्मी का जिक्र है, जिस समस्या का इस फिल्म में हमने 50 डिग्री में शूट किया, उसको महसूस किया। ये आदमी तो बड़ा साइकोलॉजिकली थोड़े से हो भी गए थे वैसे, मैं तो डर भी गया था कि ये इसके साथ कुछ होना जाए, तो हम सब उसमें डूबे। और ये खासकर, और क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो संभला हुआ था, इनका वैसा ही था कि उसमें डूबना है, तो ये सब लोग, हमने सब ने बहुत रोल को एंजॉय किया, फिल्म को एंजॉय किया, मौसम को एंजॉय किया गर्मी होने के बावजूद, और एक दूसरे का साथ दिया। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस तरह की फिल्म रिलीज़ हो और लोग देखें। किसानों को लेकर बहुत कम फिल्म बनती है, हाँ, बॉलीवुड में देखा जाए, और इसमें कम सिनेमा घर भी मिलते हैं, ये छोटी फिल्म है, ज़्यादा सिनेमा घर नहीं मिलते, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड इस तरह के कॉन्टेंट वाइज फिल्म बनाने लगता है। मैं ये मालूम है, ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें लड़ते रहना है। हमारे जिस तरह की फिल्म है, आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह की फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं, हमें उससे सामना करना है। और वो बड़ी फिल्में भी हम करते हैं, हम तो भी कलाकार हैं, हर तरह की फिल्म करेंगे, लेकिन ऐसी फिल्मों को लोगों को देखनी चाहिए। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच की फिल्म है, ये हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और इसे कुछ तो देखने को, कुछ सोचने को, कुछ समझने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप देखें। और हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग सिर्फ ये फिल्म देखें, इस तरह की, सिर्फ ये फिल्म नहीं, इस तरह की जितनी फिल्में हैं सब प्लीज़ देखें। अभी संजय की एक फिल्म आई थी, है ना, उसका जिक्र, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भूमि, प्लीज़ ये फिल्म भी देखें, वो भी देखें, सब फिल्में देखें इस तरह की। थैंक यू।